इस न्यूज के प्रायोजक हैं श्री निरंजनम टीवीएस बिलासपुर रोड मुंगेली। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चारों तरफ राजनीतिक माहौल छाया हुआ है और चुनाव आयोग के द्वारा प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के साथ ही प्रत्याशियों के लिए नामांकन भरने व फॉर्म खरीदने के लिए भी तारीखों की घोषणा किया जा चुका है, जिसके लिए प्रत्याशी जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंच रहे हैं व कई प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल कर प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में मंगलवार को लोरमी विधानसभा से एपीआई पार्टी की ओर से हरीश कुर्रे ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंच अपना नामांकन फॉर्म दाखिल किया। मैं अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया एपीआई से हूं। मैं लोरमी विधानसभा 26 से नामांकन दाखिल किया। मैं जनता के पास सबसे बड़ी शिक्षा, बेरोजगारी और हमारे लोरमी में हमें किसान के बेटा हो तो किसान के हित में काम करूंगा और उनके उद्देश्य है हमारे नीति अम्बेडकरवाद की नीति होगी और हमारे जितने भी लोरमी क्षेत्र के स्कूल कॉलेज हमारे वहाँ नहीं है अच्छे अच्छे, जिसमें हमारे लोरमी क्षेत्र के बच्चे का विकास नहीं होता, हमारा पिछड़ा वर्ग क्षेत्र में आता है हमारा लोरमी क्षेत्र। मैं चाहता हूँ वहाँ के सभी युवा साथी बेरोजगार हैं हमारे, मैं खुद एक बेरोजगार हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं चाहता हूँ अपने सभी साथियों का हित, हमारे महिलाओं का अधिकार हक, उनका शोषण बहुत हो रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे भारत में, तो मैं सबका शोषण होने के लिए जो सरकार करता है उसके बाध्य करूँगा और उसका सबका हक अधिकार के लिए मैं काम करूँगा। मुंगेली से विनयराज बांधड़े की रिपोर्ट, आरजे रामझाझर।